हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम EVS क्लास 3 का चैप्टर नंबर 13 द स्टोरी ऑफ अ व्हील पढ़ेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, हाउ अ व्हील वाज इन्वेंटेड, द यूजेज ऑफ अ व्हील। व्हील कैसे इन्वेंट हुआ हम इसके बारे में जानेंगे, और व्हील का यूज क्या क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Most of us use different modes of transport to come to school. Example, bus, car, scooter, motorcycle, cycle, etc. What is the common feature of all these modes of transport? Yes, it is the wheel. आपको पता है, जब आप स्कूल जाते हो तो आप किससे जाते हो? मोस्टली हम बस का यूज़ करते हैं, कार का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आपने कोई चीज़ नोटिस करी है कि इन सारे ट्रांसपोर्ट में जो कॉमन फीचर है वो क्या है? तो वो है व्हील। क्या है? व्हील, पहिया, ठीक है। Have you ever wondered if there was no wheel, how you would travel? आपने कभी सोचा है कि अगर व्हील ना रहे किसी गाड़ी में, मान लो आपके पास कार है, कार में व्हील ना रहे तो आप ट्रैवल कैसे करोगे? हाँ, a wheel is very important for us. तो इससे क्या होता है, इससे क्या लगता है हमें कि व्हील जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। We use it in most machine in our life. हम इसको बहुत सारे मशीन में यूज़ करते हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। Do you know how the wheel was invented? क्या आपको पता है कि व्हील जो है वो कैसे इन्वेंटेड हुआ था? तो हम जानते हैं व्हील कैसे इन्वेंटेड हुआ था। Thousands of years ago, early humans walked from place to place in search of food and shelter. हजारों साल पहले जो आदि मानव, अर्ली ह्यूमंस का मतलब है आदि मानव, जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह वॉक करते रहते थे, यानी कि चल के जाते थे। और किस लिए जाते थे? वो या तो खाना ढूंढते थे या फिर शेल्टर ढूंढते थे, यानी कि रहने की जगह। तो वो चल के जाते थे। दे कैरीड व्हाट दे नीडेड ऑन देयर ओन बैग्स। और वो जो उनके सामान होते थे ना, उसको अपने पीठ पे जो है वो लेकर के जाते थे, अपने ज़रूरत की चीज़ों को कैरी करते थे अपनी पीठ पे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक आदि मानव है जो क्या कर रहा है, वो एक एनिमल का हंटिंग कर रहा है, और यहाँ पे उसको अपने पीठ पे जो है वो कैरी करके ले जा रहा है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिए वो लोग, ठीक है। वो कैसे किए हम आगे देखते हैं। When he learned to tame animals like horses, donkey and cows, he started to use them to carry heavy loads. उन्होंने जब देखा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को वो देखते थे, तो देखा उन्होंने, तो क्या देखा, जैसे कि हॉर्सेज, डंकी, काउस, ये बड़े एनिमल्स होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको जो है स्टार्ट किया, उन्होंने इनको हैवी लोड इनके ऊपर जो है वो डाल देते थे, और आराम से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह इनको साथ में लेकर के जाते थे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इस तरह से एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो उनके सामान होते थे, उनको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल का यूज करने लग गए। Early humans noted that round objects such as logs of wood rolled easily. Early humans जो थे, मतलब कि आदि मानव ने क्या नोटेड किया कि जब वे कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि उन्होंने देखा कि जो logs of wood, यानी कि लकड़ियों का जो वो होता है ना, आप बोल सकते हो बंडल या ट्रंक बोल सकते हो, तो वो क्या होता है, उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ईजली ना रोल कर रहा है, वो ऊपर से गिर के अगर आता तो ईजली रोल करते हुए आता। तो उन्होंने देखा कि दे कुड मूव इवन विद अ स्मॉल पुश। उन्होंने देखा कि वो थोड़ा सा उसको पुश भी कर रहे हैं तो वो बहुत ईजली मूव कर रहा है।
One day he tried rolling it along the ground. एक बार उन्होंने क्या किया, उसको रोल्स करना शुरू किया ग्राउंड में. ही रियलाइज दैट इट वॉज ईजी टू रोल राउंड थिंग्स अलॉन्ग द ग्राउंड. उन्होंने देखा कि बहुत ही ईजली रोल कर रहा है ग्राउंड में, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेटर परहैप्स ही स्लाइस्ड अ ट्री ट्रंक, मेड होल्स एंड यूज देम एज द फर्स्ट व्हील्स. उसके बाद उन्होंने कुछ ट्री के जो ट्रंक है ना उसको काटा और काट करके उसमें होल किया और उसको फर्स्ट टाइम जो है ना व्हील की तरह यूज किया, फर्स्ट व्हील की तरह उसको यूज किया. ही मस्ट हैव कनेक्टेड टू राउंड ट्रंक्स विद स्टिक ऑन विद विच ही पुट अ कार्ट. इसके बाद उन्होंने क्या किया, दो जो ट्रंक राउंड थे यानी कि जो उन्होंने व्हील बनाया उसको एक स्टिक में कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक कार्ट बनाया. कार्ट का मतलब है सामान ढोने के लिए जो यूज होता है ना, तो उन्होंने एक कार्ट बनाया. ही वॉज नाउ एबल टू कैरी थिंग्स मोर ईजली. उन्होंने अभी देखा उसके बाद से वो इस सामान को बहुत ही ईजली कैरी कर लेते थे इसके थ्रू. दस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. इस तरह से जो व्हील का इन्वेंशन हुआ वो बहुत ही बड़ा उसका इफेक्ट हुआ ह्यूमंस पे. एज टाइम पास्ड ह्यूमंस इम्प्रूव द व्हील दे हैड डिस्कवर्ड. इस तरह से जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे व्हील का जो है ना डिस्कवर्ड तो हो गया वो, लेकिन इम्प्रूवमेंट होते गया यानी कि इम्प्रूव होते गया व्हील. पहले क्या होता था, लकड़ियों से व्हील बनता था, फिर धीरे धीरे करके वो जो है वो रबर से बनना शुरू हो गया और ऐसे टायर यूज होने लग गए हैं. तो व्हीकल कैन बी फिटेड विद डिफरेंट टाइप्स एंड साइज ऑफ व्हील्स मेड ऑफ वुड स्टील रबर एक्सेट्रा. इस तरह से व्हीकल्स में जो क्या होते थे धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइज के व्हील यूज़ होना शुरू हो गए और वो किसी भी जैसे कि लकड़ी, पहले लकड़ी के बनाते थे लोग, वुड के बनाते थे, फिर स्टील का बनना शुरू हो गया, फिर रबर. इस तरह से बहुत सारे जो हैं व्हील बनना शुरू हो गए. द पॉटर्स यूज अ व्हील टू मेक मोस्ट ऑफ देयर पॉटरी. पॉटर जो हैं वो अपना जो व्हील का यूज करने लग गए अपने पॉटरी बनाने के लिए यानी कि बर्तन बनाने के लिए. द पॉटर्स व्हील कॉन्सिस्ट ऑफ अ राउंड फ्लैट वुडन और मेटल सरफेस दैट मूव्स व्हेन द पॉटर शेप्स क्ले ऑन इट. उन्होंने क्या किया, व्हील को यूज करना शुरू कर दिया. उसको राउंड की तरह घूमता था वो और उसके बाद से उसके ऊपर वो क्या करते थे, उस पे ऊपर वो उस जैसे क्ले रख करके और पॉट का शेप देना शुरू कर दिए. तो इस तरह से जो है व्हील का इन्वेंशन हो गया और व्हील जो है आज हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है और बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, साइकिल में, कार में. इसके अलावा अगर कोई मशीन है उसमें यूज करते हैं, हैवी मशीन है, अगर हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है तो उसमें व्हील का यूज होता है. बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में व्हील का यूज़ होना शुरू हो गया जिससे काम जो है इजी हो गया. तो इस तरीके से आज हमारी लाइफ में व्हील का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गया है. आगे हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि मूड का मतलब क्या होता है. अ वे आर मैनर इन विच समथिंग एक्योर्स और इट्स एक्सपीरियंस, ठीक है. बोलते हैं इन्वेंशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन मेड आर नेवर एक्सिस्टेड इन बिफोर, ठीक है. इन्वेंशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा क्रिएशन जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा है और ना तो बनाया है, वो पहली बार बन रहा है. पॉटर का मतलब है अ पर्सन हु मेक्स डिशेस प्लेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले ऑन अ स्पेशल व्हील. एक पर्सन जो कि बहुत सारे बर्तन बनाता है क्ले से, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉटर बोलते हैं. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो डन हो गया है.
एक्सरसाइज आर वेरी इजी, वी कैन डू ईजली, क्योंकि हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो हमें एक्सरसाइज जो है ना वो खुद से करनी चाहिए ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस होगी. ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रेन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि इससे मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं और सारा वीडियोस बनाती रहूँ आप सभी के लिए. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय.